हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद से ही आप कोई भी कमेंट्स करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो इस वीडियो को स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आई होप कि आपको वो पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें सिंपली जानेंगे आपके फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, आपके मैक्सिमम कमेंट्स अभी यही आ रहे थे कि आपका डीबी पीएचडी तो हो गया है, प्लस अब देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे 28 तारीख को एक नोटिस आया, ठीक है। उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं आया है, ना ही बॉयज से रिलेटेड और ना ही गर्ल्स से रिलेटेड। तो देखो, अब ये आपके मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपका फाइनल कट ऑफ है, मेडिकल से पहले कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल से पहले आपकी फाइनल कट ऑफ लगाई जाती है, ठीक है। और वो फाइनल कट ऑफ में जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं तो उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब देखो, ये फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा, जैसे कि प्रीवियस में क्या हुआ था कि आपका एक मतलब रीट डाली गई थी, जिसमें हाइट का कुछ मतलब हाइट प्लस आयु से संबंधी कुछ बातें थी, जो कि विवाद चल रही है इस पर अभी भी। तो देखो, अब ये आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्या उसकी वजह से देरी होगी आपके रिजल्ट में। तो देखो, हमने आपके भी कमेंट्स देखे, लेकिन आप भी अभी यही बोल रहे हो कि हाँ देरी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देरी हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में क्या बताया था कि 13 तारीख के बाद ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, और ई पेपर के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि फरवरी के सेकेंड वीक में जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखो, अभी आप ये परेशान हो रहे हो कि क्या सच में देरी होगी। तो फ्रेंड्स देखो, बिल्कुल भी आपकी मतलब फाइनल रिजल्ट आने में देरी नहीं होगी, क्योंकि जो आपका डाटा है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसीलिए ऑफिशियली अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं दिया जा रहा है। अब जितने भी स्टूडेंट्स का डीबी पीएचडी प्लस पीईटी हुआ है, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है मेडिकल में शामिल किया जाएगा रिजल्ट जारी करके, जो भी उस मेरिट के बेस पर जो है जिसमें स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आपके फाइनल मैरिज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इस चैनल के थ्रू जरूर बताएंगे, क्योंकि इस चैनल के थ्रू यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी बड़ी या फिर छोटी न्यूज हो, हम आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद, और जो भी आपके दोस्त भाई फ्रेंड्स हैं उनको भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो भी परेशान हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और जो आपका रिजल्ट है वो 20 तारीख से पहले आ जाएगा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉच।